एंटरटेनमेंट की एक खास बात है कि जजेस का जो इंटरेक्शन होता है वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है। हमारा एक सेपरेट ही एक्ट चालू रहता है और ये मैं बता दूं कि उसमें कोई भी स्क्रिप्टिंग या कोई भी डायलॉग हमें नहीं दिए जाते, इट्स ऑल इम्प्रॉम्प्टू जो भी हम करते हैं शो में। बच्चों को खास तरीके से बहुत पसंद आता है। मोना, विशाल, अनु, मी, आई थिंक हम चारों की केमिस्ट्री हैज़ वर्क आउट वेरी वेल एंड आई थिंक द शो विल कंटिन्यू फॉर मेनी सीजन। हाउसफुल 2 का हाँ मैंने गाना किया, उसमें 3 कपल थे, मतलब 3 हीरोज 3 हीरोइन और सबसे इम्पोर्टेंट जॉनी भाई भी थे उसमें, जॉनी लिवर, जो मेरे भाई ने स्पेशली बोला था उसके ऊपर ध्यान देना। मैं अभी ये मैं नहीं कह सकती कि टीवी छोटा पर्दा है, बिकॉज रियली आई थिंक इट्स बिकम अ बड़ा पर्दा ओनली, और जब मैं आती हूँ तो छोटा वैसे भी नहीं रहता है, मतलब मेरे साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा करना पड़ता है उनको। हाँ अभी बात मेरी विस्क्राफ्ट के साथ भी चल रही है एक और शो की, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी 2 शोज बैक टू बैक ये साल में हो गए, नेक्स्ट ईयर आई हैव टू स्टार्ट माई मूवी। फिनाले वाज कमाल, बिकॉज नंबर 1 जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये कमाल का वक्त, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग, और एक स्टेज तो ऐसा आया कि, और ये फरा शायद कह चुकी होगी कि हमें किसी को, मैंने तो सबको बोला था आपको 10 लाख मिलने वाला है, मुझे फरा बार बार बोलती थी आप सभी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सभी ने कमाल परफॉर्म किया। और जब आप देखेंगे हैरत अंगेज एक्ट, किसी लड़की ने कहा कि देखिए जो 11,111 रुपये देते हैं या 11,121 रुपये देते हैं वो एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट बाकी है, क्योंकि जिनके पास बहुत है ना उनके लिए 11,000 एक जोक लगता है, लेकिन जब आदमी तकलीफ से उठता है, हमने बहुत तकलीफ देखी है, हमने एक गाना किया था सिर्फ 100 रुपये में एक ज़माने में, सिर्फ 100 रुपये में, तो वो जिनको 11,000 मिलता है तो कमाल होता है, तो 11,000 में जिसको 1 लाख रुपये मिलता है वो भी खुशी के मारे पागल हो जाता था। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी बदल गई, एक गर्म चाय की प्याली हो टन 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 कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम, तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम। मैं इनफैक्ट पहली बार इस साल एंटरटेनमेंट के लिए गया था एंड आई हैड सो मच फन बिकॉज द वाइब्स इन द शो आर सो पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव शो है, द पीपल ओवर देयर अमेजिंग, फराज अमेजिंग, अनु मलिक इज अमेजिंग एंड सो पॉजिटिव, एक होता है ना जब सेट पे जाते हो तो एक पॉजिटिव वाइब होती है, ऐसा लगा नहीं मैं कि पहली बार जा रहा हूँ। मैंने सीखा कि अनुजी जैसी फटाफट शायरी कैसे करनी चाहिए, अभी नहीं अभी सीजन खत्म हो गया। मैंने सीखा, मैंने विशाल से सीखा कि सनी पाजी की आवाज़ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और मैंने सीखा अच्छे एंटरटेनर को चुनना और ज़्यादा एंटरटेन करना और 1 मिनट में ज़्यादा जोक्स मारना और 1 मिनट में बहुत सारी ओवर एक्टिंग करना, ये सब मैंने सीखा।